नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के बीच हेड टू हेड मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दोस्तों वहां पे इमरान खान ने कश्मीर का राग अलापा और बोला कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा लग रहा था कि वो मान जाएंगे, मतलब पूरे प्राइम मिनिस्टर की जो हाउडी मोदी प्रोग्राम में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तारीफ की, इतना मतलब सब कुछ किया, यहाँ तक कि उनका चुनाव प्रचार भी कर दिया। और उन्होंने यहाँ तक ये बोल दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब उनका चुनावी रैली भी उन्होंने एक तरह से कर दी। तो ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं इमरान खान के सामने हाँ ना बोल दे कि हाँ मैं कश्मीर पर मध्यस्थता करूँगा। लेकिन दोस्तों जिसका डर था वही हुआ, बट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप गुड़ गोबर करते करते बचा दिया अपने आप को। दोस्तों ऐसा क्या हुआ, दोस्तों उन्होंने बोला कि मैं मध्यस्थता करूँगा, लेकिन दोनों पार्टियाँ रेडी होंगी तभी। इमरान खान आपके रेडी होने से कुछ भी नहीं होगा, सामने नरेंद्र मोदी को भी रेडी होना चाहिए। अगर वो रेडी होते हैं तो ही मैं इसमें इंटरफेयर कर सकता हूँ, मध्यस्थता कर सकता हूँ, तभी मैं मामला सुलझा सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरे बस में कुछ नहीं है और मैं मोदी से टक्कर नहीं ले सकता हूँ। और उल्टा उन्होंने इमरान खान को ऐसा बोल दिया कि जैसा कि आपको पता होगा कि वहाँ पे हाउडी मोदी का प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे 59,000 इनको देखने के लिए आए थे। इमरान खान को ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोले कि वहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, वो ग्रेट लीडर है, वो जो भी करते हैं सही करते हैं, उनके सामने कौन टिक सकता है। दोस्तों उन्होंने मतलब इमरान खान को यहाँ तक बोल दिया। और दूसरी बात है कि इमरान खान के साथ जो उनकी फौज गई थी उनके देश से, वो ऊट पतंग सवाल पूछ रही थी कश्मीर के बारे में। वहाँ पे कई तरह के ऊट पटांग सवाल किए जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर के मुद्दे पर। उन्होंने एक सवाल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया और वो सवाल ये था कि रिपोर्टर ने पूछा कि सर वहाँ पे 50-60 दिन से कर्फ्यू लगा है, वहाँ पे इंटरनेट बंद है वगैरह वगैरह, सब बंद है, ह्यूमन वायलेशन हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इतना गुस्सा गए, इमरान खान से उन्होंने पूछ लिया, भाई ऐसे लोगों को आप कहाँ से लाते हो। इस पर देखेंगे तो इमरान खान की जो वीडियो देखेंगे ना, एकदम उनका मुँह छोटा हो गया था। मतलब डोनाल्ड ट्रंप सीधा सिंपल एक सेंटेंस में जवाब दे दिए कि भाई अगर नरेंद्र मोदी चाहेंगे, इंडिया चाहेगा, तो ही मैं कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखिए नरेंद्र मोदी की पावर, उनके सामने आज दुनिया पूरी उनके सामने नतमस्तक है। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच।